सुप्रभात, धनबाद पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच आप सबके लिए एक कहानी पीएन पानिक्कर नेशनल रीडिंग मिशन के हिस्से के रूप में लाया है, जो 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के बीच रीडिंग एंड डिजिटल रीडिंग के संदेश के रूप में वर्ष 2022 तक पहुंच सके। तो आज की कहानी मैं मृगनालिनी रॉय कक्षा 8 अ की छात्रा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, माँ की ममता। रमेश अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर उसकी एक अच्छी सी नौकरी शहर में लग गई थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक सुंदर लड़की से करा दी थी जो खुद भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी जॉब करते हुए शहर में बस गए थे। कुछ समय के बाद रमेश के पिता का देहांत हो गया। रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, पर रमेश की माँ शहर में खुद को एकदम अकेला पाती थी। पर एक माँ हमेशा अपने बेटे की खुशी ही चाहती है, सो वह धीरे धीरे शहर में रहना भी सीख गई। पर रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को डांटते रहते, ये मत करो, ऐसा मत करो, पर माँ उनकी सारी बातें चुपचाप सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन रमेश की पत्नी को सुबह ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ तैयार करके और रमेश का टिफ़िन पैक करके ऑफिस चली गई। अब रमेश जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद रमेश की माँ ने देखा कि रमेश अपना टिफ़िन घर पर ही भूल गया है, तो वह बिना देर किए फटाफट ऑफिस पहुँची और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि ऑफिस के अंदर बाहर के व्यक्तियों का जाना मना था। बेटे को दिक्कत ना हो इसीलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया। लेकिन बाहर उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। माँ के कई मैसेज आ जाने पर रमेश अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा। आज तो उसने ठान ली थी कि घर जाकर माँ को अच्छी तरह समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं। शाम हो गई, रमेश घर जाने के लिए निकला तो देखा कि उसकी माँ वहीं खड़ी थी। यह देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वह बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने फटकारने लगा। यह सुनकर रमेश की माँ ने टिफ़िन उसकी ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को समझते देर न लगी कि वह अपना खाना घर पर ही भूल गया था, जिसे उसे देने के लिए उसकी माँ यहाँ तक आ गई थी। रमेश की माँ बोली, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, पर मेरे लिए तो आज भी तुम मेरे छोटे रमेश ही हो। यह सुनकर अब रमेश को बहुत पछतावा हो रहा था। वह अब आखिर समझ गया था कि उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए ही उसके लिए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे ही डांटे जा रहा था। अब रमेश ने खुद को माँ के लिए बदल लिया था। वह उनकी अच्छी तरह देखभाल करता था, जिसके कारण माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसे उसका बेटा वापस मिल गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, जो हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का भी त्याग कर देते हैं, और माँ तो भगवान का दूसरा रूप है। आज सभी माओं के सम्मान में मैं ये पंक्तियाँ उन्हें समर्पित करती हूँ। तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन, कहने को तो माँ कहते हैं सभी, पर मेरे लिए तो तू है भगवान। अब धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप ऐसी ही एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने किन्हीं 10 सगे संबंधियों को भेजें। अब अगले संडे हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रीड एट होम, ग्रो एट होम।